भारत અને ચીન વચ્ચે સર્જાયેલી સ્થિતિને લઈને સરકાર સહિત લોકો પણ ચાઇનીઝ વસ્તુઓનો બહિષ્કાર કરી રહ્યા છે ત્યારે બીજી તરફ અમદાવાદમાં પણ વેપારીઓ દ્વારા 2022 સુધી ચીનને 1 લાખ કરોડનું આંશિક નુકસાન પહોંચાડવાનો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે તો જોઈએ આંગેનો અહેવાલ દેશભરમાં ચાઇનીઝ વસ્તુઓનો બહિષ્કાર કરવામાં આવી રહ્યો છે ત્યારે અમદાવાદમાં પણ વેપારીઓ દ્વારા ચાઇનીઝ વસ્તુઓનો બહિષ્કાર કરી स्वदेशी वस्तुओं ने अपनावानी सलाह आपवामां आवी रही छे। व्यापारी द्वारा चाइनीज़ वस्तुओं अपायेला ऑर्डर ने पण कैंसल करवामां आवी रह्या छे। एक तरफ रिलीफ रोड पर मोबाइल एसेसरीज सहित तमाम वस्तुओं चाइनीज आइटम छे, त्यारे जोवा जोईए तो आ उद्योग में चाइनीज वस्तु सिवाय कोई विकल्प नथी। परंतु वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की बात थी व्यापारी में पण लागी रह्यु छे कि चाइनीज वस्तु हवे विकल्प में आवशे। वेपारी अत्यारे जे कई भी चाइना ने जे पुराना जे जूना ऑर्डरो आपेला हता ए ऑर्डरो ने अत्यारे कैंसल कर दीधा है और हवे पछी नवा ऑर्डरो नहीं आपी अने 2022 सुधीनो एक टार्गेट बनायो है कि मिनिमम 1 लाख करोड़ चाइना ने आर्थिक नुकसान पहुँचाड़व है और चाइना ने आर्थिक नुकसान पहुँचाड़ी और चीननी जे अवरचंडाई है ये अवरचंडाई एने सीधे सीधो बोधपाठ आपवो है। माननीय वडाप्रधान सीए लोकल टू वोकल जयरे हाकल करी हो तरह अपना देश वेपारी पीछेहट करते तो चालसे नहीं। परंतु घनी बड़ी एवं प्रोडक्टो है जे कॉस्मेटिक है के रमकड़ा जे टॉइस है आ बधी घनी बड़ी एवं वस्तुओ है कि जेने तमे अत्यारे भारत की कंपनी बनावे कदाच सदंतर आप मानी सकी रेट वाइज जो अगर तमे जोवामां आवे तो रेट वाइज कदाच भारत की जो प्रोडक्ट हे तो रेट ओछो हे अथवा वधारे पण हे। परंतु सामे टकवामां जे टकाऊ वस्तु जे गणी सकी आपणे तो ये टकाऊ वस्तु जे चीननी अंदर एवं कही सकाय छे कि चीननी वस्तु चली तो चांद तक नहीं तो रात तक। एटले मारो कहेवा माटे बीजी वस्तु शुं छे कि भारत की जो प्रोडक्टो है तेनी अंदर तमने गेरंटी वॉरंटी पण मळे छे। तो हूँ एवं दर्शकों ने आग्रह करीस कि अत्यारे हाल पूरतु भारतनी जे प्रोडक्टो ने खरीदवानो आग्रह राखे। व्यापारी अग्रणी आशीष झवेरीना जणाव्या प्रमाणे तेओ चाइनीज वस्तुओनो बहिष्कार करी रह्या छे। जो कि चाइनीज वस्तुओ स्वतंत्रपणे बंध करवू शक्य नथी, परंतु वडाप्रधाने जे प्रमाणे आत्मनिर्भर भारतनी वात करी छे ते प्रमाणे स्वदेशी वस्तुओ पण लोको स्वीकारता थशे, परंतु तेने समय लागशे। त्यारे व्यापारीओ द्वारा 400-500 एवी वस्तुओ छे के जेनी सामे स्वदेशी वस्तुओ मळी रहे छे तेने जोता 2022 सुधी चाइना ने 1 लाख करोड़ आर्थिक नुकसान पहुंचाड़वानो टार्गेट करवामां आव्यो छे। ब्यूरो रिपोर्ट, निर्माण न्यूज़।